सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो कनेक्शन है उसमें टेलीफोन जोड़कर देखेंगे या फिर हम बोलते कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। और ये देखिए नोकिया का राउटर है, ONT राउटर है, इसमें हम कनेक्ट करेंगे टेलीफोन को। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि एयरटेल एक्सट्रीम वाले जो हैं आपका इंस्ट्रूमेंट जो है ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो है ये फ्री नहीं देते हैं, तो ये आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैं किसी से लेकर आया हूँ जो कि BSNL का है, तो कोई भी कंपनी का चल जाता है दोस्तों, इधर कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो। और इसके अलावा जो है एक ही टेलीफोन लीड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कोई भी इलेक्ट्रिकल की जो शॉप होती है उधर पर मिल जाएगी, 20-25 रुपए के आसपास ये दोस्तों आती है, एक नॉर्मल साइज जो होता है। और अगर आप इससे बड़ी लोगे तो हो सकता है थोड़ी महंगी भी आए। तो और एक तो आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी ये केबल जो जिससे कि हम जो है कनेक्ट करेंगे। तो और दोस्तों ये जो टेलीफोन है ये फ्री नहीं देते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ एयरटेल एक्सट्रीम में फ्री नहीं है, हालांकि कॉलिंग फ्री है और आप ऑल ओवर इंडिया कॉल कर सकते हो और अनलिमिटेड है। तो ये देखिए काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो इधर पर दोस्तों मुझको कुछ प्रॉब्लम हुई थी कनेक्ट करने के बाद, तो वो जो है आपसे पूरी डिस्कस करूँगा क्या प्रॉब्लम हुई थी और कैसे जो है इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो और ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट को मैं बता सकता हूँ कि इधर से देखिए ये जो है इधर से कनेक्ट करना है, ये जो पोर्ट दिया हुआ है इधर एक वायर इधर लगेगा और एक वायर जो है आपका ONT में लगेगा। तो और ONT में देखिए सबसे कोने पर देखिए लिखा होगा इसमें टेलीफोन, तो इधर जो है नॉर्मली दोस्तों कनेक्ट कर देना है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बगल में येल्लो कलर के जो है वो लैन पोर्ट है, तो ये देखिए टेलीफोन पोर्ट है, इधर पर जो है इस केबल को मैं लगा देता हूँ। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपको लगाना है, तो ये देखिए मैंने लगा चुका हूँ। और अब जो है दूसरा हिस्सा जो है मैं लैंडलाइन कनेक्शन में लगा दूंगा, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है, और ये देखिए। और इसके बाद जो है आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम क्या हुई थी वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। ये देखिए ये मैंने लगा दिया है और ये इस प्रकार से ये लग जाएगा, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आपका जो है फ़ोन चालू हो जाएगा, नंबर डायल करिए, आपका एकदम जो है फ़ोन काम करेगा। तो इधर पर दोस्तों ये देख सकते हो आप, इधर पर लाइट जो है ये टेलीफोन की जलना चाहिए, ये मैं आपको जो है स्टार्टिंग बता रहा था, ये प्रॉब्लम है इधर पर। अगर ये लाइट नहीं जल रही है टेलीफोन की तो समझ जाइए कि आपका जो है टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा मतलब टेलीफोन नहीं कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके पहले देखिए आपने देखा होगा बहुत पहले जो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप हमेशा देखिए टेलीफोन की जो है लाइट नहीं जल रही होती थी। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगा कि भाई मैंने टेलीफोन कनेक्ट नहीं किया है, जब तक कनेक्ट नहीं करूँगा तो लाइट नहीं जलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, जब मैंने कनेक्ट किया ये इंस्ट्रूमेंट को, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को, तो हुआ क्या कि डायल टोन नहीं आ रही थी। और इसके अलावा जब मैं अपने नंबर पर डायल कर रहा था मोबाइल से, तो दिस टेलीफोन नंबर इज़ आउट ऑफ सर्विस, ऐसा मैसेज आ रहा था। तो और मुझे समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने 1-to-1 पर जो है इसकी कंप्लेन रजिस्टर करी। और कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद जो है मुझे करीब 1 घंटे बाद फ़ोन आया, फिर उनको मैंने प्रॉब्लम बताई कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने क्या करा कि दोस्तों आधे से 1 घंटे के अंदर टेलीफोन मेरा चालू कर दिया, हालांकि मेरे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उधर से कोई टेक्निकल फॉल्ट था। उसके बाद डायल टोन भी आने लगी और ये जो लाइट है लाइट भी टेलीफोन वाली जलने लगी, मतलब इसका कनेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर आपने टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट नहीं किया है तब भी दोस्तों ये लाइट आपकी जलेगी। तो ये मुझे पहले पता नहीं था, मुझे लगा कि जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम कॉल करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कॉल होता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपने मोबाइल से जो नंबर डायल कर दिया है, और आप ये देखिए लाइट ब्लिंक हो रही है और घंटी बज रही है, ये देखिए रेड कलर की लाइट इस टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में भी जल रही है। तो और इसमें दोस्तों हैंड फ्री नहीं है, मतलब स्पीकर नहीं है, नहीं तो मैं आपको ओके करके बात करके बता था। तो ये देखिए जब जब कॉल आएगा या कॉल करोगे ना, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, ONT डिवाइस में जो है लाइट वो ब्लिंक करेगी। ये देखिए मैंने अभी जो है फ़ोन रिसीव कर लिया है और ये देखिए लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है, मतलब अगर आपको फ़ोन यूज़ हो रहा है तो लाइट जल्दी जल्दी ब्लिंक करेगी, जैसे कि ब्रॉडबैंड की लाइट ब्लिंक करती है जब हम ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए लाइट देखिए ONT डिवाइस में लाइट देखिए। तो अभी दोस्तों ये देखिए मैंने काट दिया है, तो इधर जो है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई ऐप नहीं है, जैसे कि जियो गीगा फाइबर में जो है जियो कॉल करके एक ऐप होती है, वो मोबाइल में हम इंस्टॉल करके उस ऐप के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में जो है ऐप की फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई हम टेलीफोन यूज़ करें या टेलीफोन कनेक्ट करके हम फ़ोन करें तो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐप की फैसिलिटी नहीं देते हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाले। और जब भी हम कॉल वगैरह करते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्रॉडबैंड हमारा डिस्टर्ब होगा, आप ब्रॉडबैंड भी यूज़ कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और बाकायदा जो कॉलिंग है एकदम क्लियर जो है
कॉल होती है क्लियर सुनाई देता है। तो इधर दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने सब डिस्कस किया। अगर आपकी अगर ओएनटी डिवाइस में टेलीफोन की लाइट नहीं जल रही है तो आप इसको कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई टेलीफोन की लाइट नहीं जल रही। हालांकि दोस्तों मैं जो हूँ टेलीफोन यूज़ नहीं करता हूँ, ये सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट किसी लेकर आया था, क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, मोबाइल में भी दोस्तों आजकल अनलिमिटेड जो है कॉलिंग होती है। तो इधर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लेकर, तो प्लीज़ जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो में आने वाले समय में बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए और देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।